कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नासरीन का इस्तकबाल है। मेज़बान हया जावेद का सलाम कबूल करें। 11 सितंबर 2024 ईस्वी पर मुताबिक 6 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी परोसे बुधवार। नासरीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। मिल्टनसी केस में नज़रबंद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को बड़ी राहत, 2 अक्टूबर तक अपूरी जमानत मिल गई। NIA अदालत ने इंजीनियर रशीद को जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात की मुहिम चलाने की इजाज़त दी है। तर्जमान, अफसोस तो इस बात का है कि इंजीनियर रशीद को अपूरी जमानत इसलिए नहीं दी गई कि वो लोगों की खिदमत कर सके। वोट हासिल करने के बाद उन्हें दोबारा कैद किया जाएगा और शुमाली कश्मीर का इलाका दोबारा अपने नुमाइंदे के बगैर रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला, देखने वाली क्या बात है, हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामुला पार्लिमानी हल्के के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है, ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है, ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है, ये बेल मिला है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए, और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ चला लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे। अब वोटर इसको किस तरह से लेगा और इस फैसले का उन पे क्या असर होगा हम देखेंगे अभी। अच्छा, समझ के और मतलब बड़े एहतियात से इस मामले में कदम रख रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि जो बात बहुत लोग सोच रहे थे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने खुल के की। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, और सवाल उठाया कि ये जो सारा पैसा खर्च हो रहा है उनके उम्मीदवारों पे, ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अब देखें अगर इसका जवाब AIP से आ जाता है, हम तो इन लोगों का मुकाबला करते रहेंगे, और हमारी वोटरों से एक ही गुजारिश है कि इस इलेक्शन में अपने वोटों को वो तकसीम ना होने दें, क्योंकि बीजेपी की लगातार साजिश है, और जैसे वजीर दाखला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो AIP PC इन बाकी पार्टियों के साथ कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार होंगे, तो लोगों को अगर बीजेपी की हुकूमत बनानी है तो इन तंजीमों की मदद करें। उमर साहब, आप लकूफ है बानिहाल वाला, उसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसकी अपनी पार्टी ने उसके बयान को जो है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया है। अब वो बानिहाल वालों को इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, उसको अपने ज़बान पे कंट्रोल क्यों नहीं, मुझे इसका जवाब मेरे पास है नहीं, लेकिन कम से कम कांग्रेस के तरफ से उसके बयान को नोटिस किया गया और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज़ उठाई, हमारे लिए मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कुछ तो है कि ये जेल में बैठे हुए लोग सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब ये कोई भूली बात नहीं है ना। इंजीनियर रशीद का एक बार लड़ना मैं समझ सकता हूँ कि ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसे ही हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में एक आदमी को 2 सीटों पर लड़वाना, और एक पे तो चलिए उनका निशाना ठीक रहा वो गांदरबल आए, दूसरे पे उनका निशाना गलत रहा, वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं बीरवा से कागज़ भरूंगा, मेरा बड़गाम से कागज़ भरने का इरादा था। अगर मैंने 2 दिन पहले बड़गाम का ऐलान किया होता, आप मान के चलिए कि वो क्या नाम है सर्जन बरकती, उसने बड़गाम से कागज़ भरा, ऐसा कोशिश तो ये कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार इंशाल्लाह उनकी कोशिशें नाकामयाब हों। उमर साहब, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो साफ तौर अपनी तकरीरों में कहा है कि इंडिपेंडेंट को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को वोट दे दीजिए।
उधर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इंजीनियर रशीद और उसकी पार्टी को तनकीद का निशाना बना दिया है। जिन लोगों के लखते जिगर जेलों में नज़रबंद है उन्हें उनसे मुलाकात करने नहीं दी जाती और जेलों में कैदियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है। जो गरीब आदमी जेल में है उसके माँ बाप को उसको मिलने की इजाज़त नहीं है। एक ढंग से वो मामला है जो हमारे जेलों में नौजवान है वो सालों से जेलों में उनको उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ से जेलों से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनके पार्टियां बनती है, उनकी गाड़ियां चलती है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि जब वो हमारे कैंडिडेट पे हमला करते हैं या वो मंडे पे तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय हमारे जो वहाँ के कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस भेजता है। इसे आपको पता होना चाहिए कि जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात है जो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बात करती है। बात सही नहीं है और इसके अलावा जो पीडीपी का रिकॉर्ड रहा है जम्मू कश्मीर में तरक्की के हवाले से, रास्ते खोलने के हवाले से, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाने के हवाले से, एम्स बनाने के हवाले से, रोजगार देने के हवाले से, लेबर तैयारी में लाखों लोगों को रोजगार दिया, उसकी वजह से जो बाकी जमाते हैं वो घबरा रही है। उनके पास नवीन के पास माफी मांग के लिए इस बार और कोई चारा नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने इंजीनियर रशीद की अबूरी ज़मानत को एक मुस्बत कदम करार दिया है। साइबर सिक्योरिटी के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन। साइबर जराइम की कोई सरहद नहीं होती। तमाम स्टेक होल्डर्स इस लानत से निमटने के लिए इकट्ठे हों। अमित शाह। सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज। मिलिटेंट को जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बीएसएफ किसी भी सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तालमेल जारी। डीके बोरा। आरएसएस ने तालीमी निज़ाम पर कब्जा कर लिया है। मीडिया और तहकीकाती इदारे कंट्रोल में। गरीब हिंदुस्तान समझ गया है कि आईन को ख़त्म किया गया तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी। आरजेपी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। सिक्योरिटी और इंतखाबी जायजा मीटिंग की सदारत की। इंतखाबात के पुरामन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वसा करदा हिकमत अमली को हतमी तौर पर तय किया गया। बीजेपी असम्बली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर में हर घर भाजपा मुहिम शुरू करने के लिए तैयार। प्रोग्राम का मकसद लोगों से जुड़ना और उन्हें पार्टी के प्रोग्रामों और कामयाबी से आगाह करना है। और आखिर में ये खबर कि वस्ती कश्मीर बड़गाम के कछवारी इलाके में उस वक्त ज़बरदस्त सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग बच्चे की पुरासार तौर पर लाश बरामद की गई। के एनओ खबरसा एजेंसी के मुताबिक बच्चे के लवाकिन ने इसे कत्ल करार दिया है। लवाकिन के मुताबिक कुछ नामालूम शख्स उनके घर दौरान शब ज़बरदस्ती घुसाए और बच्चे को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कानूनी लवाजमात पूरा करके लाश लवाकिन के सुपर्द कर दी और फौरी तहकीकात शुरू कर दी है। नासरीन ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।